नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के वर्धा में सेना के गोला बारूद डिपो में लगी भीषण आग। हादसे में दो अफसर और 18 जवानों की मौत। एहतियात के तौर पर आसपास के 3 गांव खाली कराए गए। लंदन में हथियार डीलर से कथित घर खरीद कर विवादों में फंसे रॉबर्ट वाड्रा। बीजेपी सांसद किरीट सुमैया ने ईडी और सरकार को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की। दिल्ली से सटे गुड़गांव में बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की मूर्ति तोड़ी गई। घटना से गुस्साए बीएसपी कार्यकर्ताओं ने दी हर जिले में प्रदर्शन की धमकी। गोवा के पर्यटन मंत्री दिलीप पारुलेकर का बयान, अफ्रीकी नागरिकों को बताया भारत के लिए समस्या। दिल्ली में बिजली कंपनियों पर सरकार सख्त, 2 घंटे से ज्यादा बिजली काटी तो कंपनियों को उपभोक्ताओं को देना होगा हर्जाना। हार्ट सर्जरी से पहले नवाज शरीफ ने की पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात। मोदी ने शरीफ के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को भाई विराट कोहली, तारीफ करते हुए कहा निरंतरता और शक्ति का खास मिश्रण है कोहली। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए जीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।